हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सलून। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के बारे में। ये रीट लेवल वन और लेवल टू, और साथ ही साथ ग्रेड टू, ग्रेड वन जो इंग्लिश का जिनका ऑप्शनल पेपर होता है उनके लिए, और जो पीजी करें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि फोनेटिक्स क्या होते हैं। तो फोनेटिक्स क्या है? द साउंड ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज की जो साउंड होती है उसको फोनेटिक्स बोला जाता है। फोनेटिक्स हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल इम्पॉर्टेंट बियरिंग ऑन ह्यूमन रिलेशन, कि फोनेटिक्स का ह्यूमन रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दैट व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट नेशन प्रोनाउंस ईच अदर्स लैंग्वेज रियली वेल, कि जब एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री की जो लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर पाते हैं। इवन इफ वोकेबलरी एंड ग्रामर नॉट परफेक्ट, चाहे उनकी ग्रामर अच्छी हो या ना हो, वोकेबलरी वो जानते हो या ना जानते हो, सिर्फ इमिटेट करके वो उसको बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। इट हैज़ एन एस्टोनिशिंग इफेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग देम टुगेदर, कि दो नेशन के या दो कंट्री के लोगों को साथ में लाने में उनका बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत शानदार इफेक्ट होता है। किसका? लैंग्वेज का या साउंड का। इट पुट्स पीपल ऑन टर्म्स ऑफ इक्वलिटी, इससे लोगों में इक्वलिटी की फीलिंग आती है कि हाँ, ये भी मेरे जैसा ही है। इट ए गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम इमिडिएटली स्प्रिंग्स अप, और इससे क्या होगा, दो लोगों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आराम से क्रिएट हो जाएगी। इस चीज़ को आप समझिए, जैसे आप किसी दूसरे नेशन में या दूसरे स्टेट में जाते हैं और आपको अपना कोई नेटिव मिल जाता है तो उससे क्या होगा, आपको फैमिलियरिटी की फीलिंग आएगी। ठीक वैसा ही यहाँ भी होता है। फिर देखिए फोनोलॉजी क्या होती है। तो फोनोलॉजी द साउंड पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। फिर फोनोलॉजी के बारे में, स्पीच इज़ ह्यूमन एंड साइलेंस इज़ डिवाइन येट ऑल्सो ब्रूटिश एंड डेड, कि स्पीच तो किसकी क्वालिटी है, ह्यूमन बींग की, और जो साइलेंस है वो किसकी क्वालिटी है, ह्यूमन बींग की नहीं मतलब डिवाइन क्वालिटी है। येट ऑल्सो ब्रूटिश एंड डेड, लेकिन साइलेंस कैसी होती है, डेड। डेड यानी आप मतलब वो मरी हुई है। कोई पर्सन जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक आपके थॉट्स को या आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाता, इसलिए ये ब्रूटिश भी है यानी निर्दयी भी है। देयरफॉर वी मस्ट लर्न बोथ आर्ट्स, इसलिए हमें दोनों चीज़ें या दोनों बातें समझनी चाहिए कि हमें स्पीच भी आनी चाहिए और साइलेंस भी आनी चाहिए, दोनों क्वालिटीज़ हमें होनी चाहिए। फिर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो उसके थ्रू हम समझेंगे कि सेम साउंड और डिफरेंट स्पेलिंग कैसे होती है। देखिए यहाँ पे ही बिलीव दैट सीज़र कुड सी द पीपल सीज द सी, तो यहाँ पे डीप ई की साउंड आ रही है, ही बिलीव ली की साउंड आ गई, फिर सी सीज़र सी की साउंड आ गई, फिर सी इसमें भी सी की आ गई, पीपल सीज सीज, तो यहाँ पे सेम साउंड लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है। इसी का अपोजिट देखते हैं कुछ लेटर्स में या कुछ वर्ड्स में, ए की साउंड है और अलग अलग प्रोनाउंस होंगे। जैसे माई फादर वॉन्टेड मैनी अ विलेज नेम बैडली, तो यहाँ पे ए की साउंड है वो अलग अलग बोली जा रही है। माई फादर इसमें आ की साउंड आ रही है, फिर वॉन्टेड में भी आ की साउंड आ रही है, फिर इसमें मैनी में मे ए की साउंड आ रही है, इसमें भी ए की। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि सेम लेटर डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर और एग्जाम्पल देखिए, शूट कैरेक्टर थॉमस फिजिक्स डील नेशन कोट इधर रफ, तो इन सब में कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दिया हुआ है लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसको देखिए, शूट है, कैरेक्टर है, तो इसमें एस एच मिल के शे की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सी एच मिल के चे की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे ही टी एच मिल के थे की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। फिर इसी का और देखिए, इसी के अंदर निमोनिक ऑटम रिजाइन राइट आइलैंड डेप्ट, तो इसमें सब मिल के क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग लेटर्स हैं जो अंडरलाइन हैं तो वो क्या है, यहाँ पे साइलेंट है। तो कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि लेटर में साउंड हो ही, कई बार कई लेटर्स साइलेंट भी होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप पढ़ रहे होंगे, ये यहाँ पे यहाँ से शुरू होता है और ये जो पी है यहाँ पे साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, और ऐसे यहाँ पे हम बोलना या जो साउंड है इसकी स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी क्योंकि जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना होगा। फिर आगे देखिए और एग्जांपल्स में देखिए, क्यूट फ्यूम यूज़, तो इसमें क्या होगा कि एक लेटर, नो लेटर टू रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड, कि एक लेटर कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही साउंड प्रोड्यूस करे, एक लेटर ज़्यादा साउंड भी प्रोड्यूस कर सकता है। और पीछे वाली में हमने क्या पढ़ा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक लेटर साउंड प्रोड्यूस करे ही, तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान रखते हुए
ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, और इन सब से आपके एक क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा, और जो हम लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपको पता भी चल जाएगा। फिर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि ये किया किसने है। तो एक एसोसिएशन है IPA, इंटरनेशनल फेनेटिक एसोसिएशन, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है आपसे नाम पूछ ले कि क्लासिफिकेशन किया किसने है, तो इंटरनेशनल फेनेटिक एसोसिएशन ने ये क्लासिफिकेशन किया है, और उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए हैं। सिंबल्स किसके? साउंड के लिए, कि जो हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग सिंबल्स वो याद रखने हैं। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है। तो इसमें देखिए 20 वोवल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। अब इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितना होता है? 1 कहाँ से? ए से लेकर जेड तक। फिर इसमें वोवल कितने होते हैं? तो 5 वोवल होंगे, और कॉन्सोनेंट कितने होंगे? तो इसमें 21 कॉन्सोनेंट हो गए। तो 26 जो लेटर्स होते हैं उसके अंदर 5 वोवल और 21 कॉन्सोनेंट। अब इस 5 जो वोवल हैं इसके लिए साउंड हमें कितनी याद रखनी होंगी? 20 साउंड। और जो ये 21 कॉन्सोनेंट है इसके लिए 24 साउंड्स याद रखनी होंगी। इस चीज़ को आप समझना। 5 वोवल है AEIOU, इसके अलावा बाकी जितने भी लेटर हैं वो किस में है? कॉन्सोनेंट में है। अब इस AEIOU के लिए हमें 20 साउंड्स याद रखनी होंगी। अब इस 20 साउंड को क्लासीफाई किया है वोवल को किस में? मोनोफ्थोंग में और डिफ्थोंग में। मोनोफ्थोंग यानी मोनो मीन्स सिंगल, डाई मानी टू, तो मोनो यानी सिंगल साउंड, प्योर वोवल साउंड भी बोलते हैं इनको, ये कितनी है? 12। और डिफ्थोंग कितने हैं? 8। ठीक है, इनको मिक्स वोवल भी बोलते हैं। अब कॉन्सोनेंट के लिए कॉन्सोनेंट कितने हैं? 24। 21 कॉन्सोनेंट के लिए 24 साउंड्स होंगी, और टोटल आपसे पूछ ले कितने मतलब साउंड्स हैं टोटल, तो साउंड्स 44 हो जाएंगे। अगर वोवल साउंड पूछे तो 20, मोनोफ्थोंग 12 जिसमें डिफ्थोंग 8 होंगे। कॉन्सोनेंट साउंड पूछे तो 24, और सिर्फ कॉन्सोनेंट पूछेगा तो 21। इस चीज़ को आप एक बार पॉज करके वीडियो को आराम से समझना कि साउंड क्या है और लेटर क्या है। साउंड अलग है, सिर्फ वोवल पूछे तो 5, वोवल साउंड पूछे तो 20, कॉन्सोनेंट पूछे तो 21, और कॉन्सोनेंट साउंड पूछेगा तो 24 आएगा। क्वेश्चन आराम से समझना, क्योंकि पीछे क्वेश्चन इसका आया हुआ है। आगे देखें इस चीज़ को और समझते हैं कि कॉन्सोनेंट कैसे है। जैसे देखिए पी होता है, ठीक है, पिल में है जैसे, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका प साउंड के लिए पी आ जाएगा। बे, जहाँ पे बे बोला जाएगा, जहाँ पे बे साउंड होगी वहाँ पे बी लिखा जाएगा। मैं के लिए एम लिखा जाएगा, क के लिए के लिखा जाएगा, और फिर जहाँ पे ING यानी अंक की जो साउंड आती है उसके लिए ये वाला सिंबल आएगा। तो आपको ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। फिर देखिए बाकी तो सिंपल है, आपको याद हो जाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन इन्हीं में होता है। फिर टे के लिए टी, डे के लिए डी, ने के लिए एन, ग के लिए जी, और है के लिए एच। ये सारी साउंड ईजी हैं, ये याद हो जाएंगी, सिर्फ ये ध्यान में रखना है आपको अंग वाला इसमें। फिर और देखिए 24 याद में रखनी है ना हमें, तो अभी तक 10 याद करी है। अब देखिए फे के लिए एफ, वे के लिए वी। अब देखिए इस वे के लिए वी, एक ये है और एक वे ये है, तो जहाँ पे डब्ल्यू से वर्ड शुरू होगा वहाँ पे ये डब्ल्यू ही लिखेंगे, और जहाँ पे वी से स्टार्ट होगा वहाँ पे वी ही लिखेंगे। फिर देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट है। 13, 14, 15, थे के लिए थीटा का यूज़ करते हैं तो ये भी ईजी है। दे के लिए उल्टा 9 लिख के उसको क्रॉस लगाएंगे, और शे के लिए ये वाली साउंड आपको याद रखनी है। इसमें जिसमें कन्फ्यूज़न होगा उसको और मैं डिटेल में बताऊंगी, पहले आप इसको पढ़िए। फिर इसमें देखिए ये से जो होगा, ये वाला से अलग है और ये वाला से अलग है, तो इस से के लिए, और ये शे है तो इस से के लिए एस यूज़ करेंगे। फिर एक जय है और एक जय है सिंपल वाला, एक चय याद रखना है आपको, ये चय के लिए ये साउंड होगी। देखिए इसका कोई तरीका नहीं है, आपको जो साउंड है उसका सिंबल याद करना ही होगा, और जब तक आप सिंबल याद नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। जब आपको ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे देखिए
और जो बाकी की साउंड है ले, रे और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना, जैसे यू है तो वाई ओ यू, इसके लिए क्या होगा, ये का जे और यू के लिए यू यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन इसका हो जाएगा जे एंड यू। फिर देखिए शै जय, तो यहाँ पे जहाँ पे मेशर प्लेशर, ठीक है, शै और जय साथ में बोलता है, वहाँ पे ये वाला सिंबल जो है वो आ जाएगा। अब देखिए डिफरेंस क्या है, एक सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन रहता है वो इस जेड में और इस वाले जेड में होता है। तो जहाँ पे जेड एस या जेड से शुरू हो, यहाँ पे जहाँ पे साउंड एस या जेड से आए तो वहाँ पे तो ये वाला जेड लिखना है, और जहाँ पे साउंड जे की इस जे से और या फिर इस जी ई से आए तो वहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ करना है, जैसे कैबेज में है, जग में है, फ्रिज में है, तो यहाँ पे तो आप इससे लिखेंगे। और सिंपल जैप फ्राइज़ चीज़, ठीक है, यहाँ पे एस से क्रिएट हो रही है, यहाँ पे एस से और यहाँ पे जेड से, तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। अब दूसरा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ये शे और शे जे में, तो इस शे जे की टेलीविजन, ठीक है, शे और जे का मेशर लेशर, और फिर यहाँ पे शे शोर शीप एडमिशन, तो शे जे नहीं बोल रहा है यहाँ पे, आपको बोल बोल के याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने पढ़े हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी है, तो अभी हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है, 24 है। डिफ्थोंग्स कितने होते हैं उसमें और कौन कौन से होते हैं, तो डिफ्थोंग 8 होते हैं, और कौन कौन से क्या बोलते हैं उनको, प्योर वॉवल होते हैं क्या, नहीं, प्योर कॉन्सोनेंट होते हैं क्या, नहीं, सेमी वॉवल थोड़ी होते हैं, नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वॉवल्स, कॉम्बिनेशन होते हैं वॉवल का, तो यहाँ पे 4 सही होगा। फिर देखिए मशीन, मशीन में सी एच है और किसकी साउंड बोल रही है, शे की, तो यहाँ पे शे के लिए कौन सा सिंबल पड़ा है हमने, फोर्थ वाला, तो इसमें फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएँ। इसके लिए आपको सिंबल्स याद रखने होंगे, तो आप सिंबल याद कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम वॉवल साउंड्स की बात करेंगे, मोनोफ्थोंग और डिफ्थोंग कौन से होते हैं और कैसे ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, इन सब की बात करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नए मिलते हैं नेक्स्ट इसके सेकेंड पार्ट में। टिल देन बाय बाय।